हेलो स्टूडेंट, आइए इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 12 क्लास 11 इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री को कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को बनाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन हियर, थ्री वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम ए बी एंड सी इज गिवन हियर, फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स ऑफ द पैरेललोग्राम। तो एज वी नो दैट द प्रॉपर्टी ऑफ द पैरेललोग्राम इज the diagonal are bisect each other, means of that AC diagonal का जो mid point होगा और BD diagonal का mid point होगा वो आपका same होगा, वो same point पे क्या करेंगे, intersect करेंगे। means of that the mid point of AC is equal to mid point of BD। तो सबसे first हम mid point of AC find out करें, तो we know that the midpoint formula is x1 plus x2 upon 2, it means of that 3 plus माइनस ऑफ 1 अपॉन 2, दिस इज आवर एक्स कोऑर्डिनेट एंड दिस इज आवर वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पी एंड दिस इज द जेड कोऑर्डिनेट ऑफ पी। ये हमारे मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल ऑफ ए सी आ गए। नाउ मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल ऑफ बी डी इज द सेम एज, मीन्स ऑफ दैट अल्फा प्लस 1 अपॉन 2, दिस इज द एक्स कोऑर्डिनेट फॉर द डायगोनल ऑफ द बी डी, it is same as the P, and second for the Y beta plus 2 upon 2, and for the Z gamma plus minus 4 upon 2। ये हमारे दोनों coordinates क्या होंगे, same होंगे। तो यदि हम इनको simplify करें तो हमारा answer हो रहा 3 minus 1 2 upon 2 it is equal to 1, and the next plus 1 minus 1 is 0, and 2 plus 1 2 plus 2 is 4 upon 2 is equal to 2। तो यदि हम कंपैरिजन करें इस ऑल वैल्यू से तो हमारा फर्स्ट हो जाएगा अल्फा प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। यदि हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 2, देन अल्फा की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1, सेम एज हम फॉर द वाई कोऑर्डिनेट के लिए इक्वल करें बीटा प्लस 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2, एंड गामा के लिए करें तो गामा माइनस 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2। यदि हम इसको सिंप्लीफाई करें इट इज इक्वल टू 2, 2 टू 4 एंड 4, दिस इंप्लाइज दैट द वैल्यू ऑफ द गामा विल बी इक्वल टू 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8। हैंस द कोऑर्डिनेट ऑफ द बी इज अल्फा इज 1 एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 एंड गामा विल बी इक्वल टू 8। दिस इज द फोर्थ वर्टेक्स ऑफ द पैरेललोग्राम ए बी सी डी। क्वेश्चन नंबर सेकंड में गिवन है, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल विथ वर्टिसेस ए बी सी इज। एज वी नो दैट द मीडियंस आर ए टू डी की जो लेंथ है, जो द डी हमारी बी सी का क्या मिड पॉइंट है। सिमिलरली बी ई एंड सी एफ आर द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। सबसे फर्स्ट वी यूज द मिड पॉइंट फॉर्मूला। कोऑर्डिनेट हम जानते हैं कि एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू, वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू एंड जेड वन प्लस जेड टू अपॉन टू। इसको यूज करते हुए हम पॉइंट डी ई एंड एफ के कोऑर्डिनेट को सबसे फर्स्ट फाइंड आउट करेंगे। तो जीरो प्लस सिक्स फॉर द जीरो प्लस सिक्स अपॉन टू इट मीन्स ऑफ दैट थ्री, एंड फोर प्लस जीरो अपॉन टू इज इक्वल टू टू, एंड जीरो प्लस जीरो अपॉन टू इज जीरो, एंड सेम एज ई को निकालने सिक्स प्लस जीरो अपॉन टू इट मीन्स ऑफ दैट थ्री एंड जीरो एंड थ्री, एंड एफ पॉइंट को फाइंड आउट करें तो जीरो प्लस जीरो अपॉन टू इज जीरो, जीरो प्लस फोर अपॉन टू इज टू इट मीन्स ऑफ दैट जीरो टू एंड थ्री। एंड नेक्स्ट लेंथ ऑफ द मीडियन ऑफ द ट्राइंगल ए डी के लिए हम डिस्टेंस फार्मूला को यूज करें, एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर, वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर प्लस जेड टू माइनस ऑफ जेड वन होल स्क्वायर। सो इट इज अवर ये वाला पॉइंट, इन दो पॉइंट के बीच की हमें डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। तो जीरो माइनस थ्री होल स्क्वायर मीन्स ऑफ दैट नाइन, जीरो माइनस टू होल स्क्वायर मीन्स ऑफ दैट फोर, एंड सिक्स माइनस जीरो होल स्क्वायर मीन्स 36, इट इज अंडर रूट ऑफ 49, इट मीन्स 7 यूनिट्स। सिमिलरली हम बी टू ई की लेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं, बी टू ई इट मीन्स दैट 3 माइनस ऑफ 0 इट मीन्स 9, एंड का होल 3 माइनस 0 होल स्क्वायर मीन्स 9, एंड 4 माइनस 0 स्क्वायर मीन्स 16, एंड अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा 9। तो 9 प्लस 9 इज 18, एंड 18
प्लस ऑफ 16 हम करेंगे तो अंडर रूट ऑफ 34 यूनिट्स। नेक्स्ट लेंथ ऑफ द मीडियन ऑफ सी एफ को फाइंड आउट करते हैं। सी एफ की जो लेंथ होगी 6 माइनस 0 इट मीन्स 36 एंड 4 प्लस 9 इट इज अंडर रूट ऑफ 49 मीन्स ऑफ दैट 7 यूनिट्स। सो द लेंथ ऑफ द मीडियन ऑफ द ट्राइंगल इज 7 अंडर रूट 34 एंड 7 यूनिट। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 हमने इसके पिछले वीडियो में आपको बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, जिसमें हमने पूरा एक फुल वीडियो बनाया सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। आप वहां जाके उस क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमको गिवन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 5√2 फ्रॉम द पॉइंट्स। मीन्स वाई एक्सिस में यदि हमें कोई पॉइंट को कंसिडर करना है तो लेट एनी पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस, तो हमारे एक्स और जेड कोऑर्डिनेट 0 होंगे। ओके, तो हमें ये वाई की वैल्यू ओनली फाइंड आउट करना है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमको गिवन है द डिस्टेंस बिटवीन ऑफ पी ए विल बी इक्वल टू 5√2 यूनिट्स। तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला को अगर यूज करें अंडर रूट ऑफ एक्स टू माइनस ऑफ एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस ऑफ वाई वन होल स्क्वायर प्लस जेड टू माइनस ऑफ जेड वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5√2। तो ये हमारा जो पॉइंट हो जाएगा इट इज़ एक्स टू वाई टू जेड टू एंड पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम एक्स वन वाई वन जेड वन अगर कंसिडर करें तो हमारा आंसर आ जाएगा, या फिर इसको एक्स वन वाई वन जेड वन इसको एक्स टू वाई टू जेड टू जिसको भी आपको कंसिडर करना है आप कंसिडर कर सकते हैं। तो इट बिकम्स 3 माइनस ऑफ 0 होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस ऑफ वाई होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस ऑफ 0 होल स्क्वायर का अंडर रूट। ओके, तो इट इज़ अंडर रूट ऑफ इट बॉस राइट, यहाँ पे भी हमारा है। तो अब ना स्क्वायरिंग करके हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस अब माइनस 2 माइनस ऑफ वाई के होल स्क्वायर को सॉल्व करें तो इट इज़ 4 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 2 2 4। ओके, तो इट इज़ 4 ऑफ वाई एंड 25 इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 25 टू जो हमारे पास कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 50 मीन्स वाई स्क्वायर प्लस 4 ऑफ वाई एंड 25 प्लस 9 प्लस 4 को अगर हम सब्ट्रैक्शन करें तो इट इज़ 38 एंड 50 माइनस ऑफ 38 करेंगे तो आपका आ जाएगा माइनस यानी 12, तो इट इज़ माइनस ऑफ 12 इज इक्वल टू 0। हैंस इट इज़ इम्प्लाइज दैट 12 मीन्स ऑफ दैट यहाँ 4y को हम ब्रेक कर रहे हैं तो इट इज़ 6 ऑफ वाई माइनस ऑफ 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स ऑफ दैट y प्लस 6 एंड y माइनस ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। इट गिव्स द वैल्यू ऑफ द y इज इक्वल टू 2 एंड माइनस 6। सो देयर आर द टू पॉइंट्स इन द y एक्सिस। फर्स्ट पॉइंट इज ओवर 0 टू 0 एंड द सेकेंड पॉइंट इज 0 माइनस 6 0 which is 5√2 units from the point 3, minus 2 and 5. Next question number 5. A point R with x coordinate 4 lies on the line segment joining the points P will be given here 2, minus 3, 4 and Q point is given here 8, 0, 10. तो हमें पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट निकालना है जिसके एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमको गिवन है 4 एंड वाई और जेड को हमें फाइंड आउट करना है मीन्स 4 वाई एंड जेड। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे ले लेते हैं लेट आर पॉइंट पी क्यू को के रेशियो 1 में डिवाइड कर रहे हैं एंड वी यूज द सेक्शन फॉर्मूला फॉर द एक्स विल बी इक्वल टू के टाइम्स ऑफ 8। सेक्शन फॉर्मूला हम जानते हैं एक्स इज इक्वल टू एक्स टू ऑफ एम प्लस एक्स वन ऑफ एम एन अपॉन एम प्लस एन, इसको यूज करते हुए बनाए 8 टाइम्स ऑफ के प्लस 1 टाइम्स ऑफ 2 अपॉन के प्लस 1 इज इक्वल टू 4। इसको हम सिंप्लीफाई करें तो 8 के प्लस 2 विल बी इक्वल टू 4 के प्लस 4 आर 4 के विल बी इक्वल टू 2। इट मीन्स इम्प्लाइज दैट इट इज 2 अपॉन 4 मीन्स जो रेशियो हमको आ रहा है वो 1:2 में डिवाइड हो रहा है। सो दिस इज 1:2 में डिवाइड हो रहा है। अब इस 1:2 के बेस पे हम y कोऑर्डिनेट की वैल्यू बाई अगेन यूजिंग फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला से ये निकाल सकते हैं 1 टाइम्स ऑफ 0 प्लस 2 टाइम्स ऑफ माइनस ऑफ 3 अपॉन 1 प्लस 2 इट विल बी इक्वल टू
माइनस सिक्स अपॉन थ्री इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ, एंड फॉर द जेड कोऑर्डिनेट द जेड विल बी इक्वल टू वन टाइम्स ऑफ टेन एंड टू टाइम्स ऑफ फोर अपॉन वन प्लस टू इट इज टेन प्लस एट अपॉन थ्री 18 upon 3 it is equal to 6. Hence, the coordinate of the point R will be equal to 4 and y coordinate हमारे आए थे minus 2 and z coordinate 6. Next question number 6 को करते हैं. Question number 6 में given है if the points के coordinate A और B given है. So find the equation of the set of points P such that PA square plus PB square is equal to K square. सबसे फर्स्ट हम यहाँ अज्यूम करते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ पी इज एक्स वाई जेड. नाउ द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड ए का स्क्वायर यदि करेंगे तो हमारे पास आएगा एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर, वाई माइनस फोर होल स्क्वायर, जेड माइनस ऑफ फाइव होल स्क्वायर प्लस सेम एज पी वी स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं इट इज एक्स प्लस वन होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ऑफ थ्री होल स्क्वायर प्लस z प्लस सेवन होल स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर. इसको स्क्वायरिंग करें इट इज एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन एंड इट इज वाई स्क्वायर माइनस एट वाई प्लस ऑफ सिक्सटीन एंड इट इज जेड स्क्वायर माइनस टेन ऑफ जेड प्लस ट्वेंटी फाइव एंड एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन प्लस वाई स्क्वायर माइनस सिक्स वाई प्लस ऑफ नाइन प्लस जेड स्क्वायर प्लस फोर्टीन ऑफ जेड प्लस फोर्टी नाइन इज इक्वल टू के स्क्वायर. अब नाउ एक्स स्क्वायर टू टाइम्स है, वाई स्क्वायर आपका टू टाइम्स है एंड जेड स्क्वायर भी आपके पास टू टाइम्स है. सो इट बिकम्स टू टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. नाउ एक्स के टर्म्स को यदि देखें माइनस ऑफ सिक्स एक्स एंड प्लस ऑफ टू एक्स इट मीन्स ऑफ दैट इट इज माइनस ऑफ फोर ऑफ एक्स. एंड वाई की टर्म्स को देखें माइनस ऑफ एट वाई एंड माइनस ऑफ सिक्स वाई इट इज माइनस ऑफ फोर्टीन ऑफ वाई. एंड माइनस ऑफ टेन जेड प्लस फोर्टीन ऑफ जेड को यदि हम लिखें तो ये हमारा हो जाएगा प्लस फोर ऑफ जेड. एंड हम कॉन्स्टेंट टर्म्स को देखते हैं नाइन एंड प्लस ऑफ सिक्सटीन एंड प्लस ऑफ इट इज ट्वेंटी फाइव एंड प्लस ऑफ ट्वेंटी फाइव प्लस अगेन यहाँ पे आपका क्या है नाइन प्लस वन इट मीन्स ऑफ दैट टेन मीन्स प्लस फोर्टी नाइन. यदि हम इन सबको ऐड करें तो हमारा आंसर आ जाएगा इट इज हंड्रेड एंड नाइन. सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्लस हंड्रेड एंड नाइन माइनस ऑफ के स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो. दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन for the set of points P which is satisfied this equation as PA square plus PB square is equal to K square.